हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी की रेसिपी, और जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए हम आपको दिखा देते हैं उसकी सामग्री। ये हमने लिया हुआ है कुछ वेजिटेबल, शिमला मिर्च है, बीन्स है, मशरूम, आलू और गाजर। और इधर हमारा पनीर, इधर मटर ले लिया है हमने। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जी ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे कुछ मसाले हैं, इसको हमको पेस्ट बनाना है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज। ये टमाटर है, इसका भी हमको प्यूरी बनाना है। और ये हमने केसर वाला दूध ले लिया है, इसकी भी ज़रूरत। और ये प्याज हमने लच्छू में काट लिया है, इसे हमको फ्राई करना है बिरयानी में डालने के लिए। और ये हमारे कुछ मसाले हैं, गरम मसाले हैं, इसमें जीरा है, 4 मोटी इलायची है, 4 छोटी इलायची है, जावित्री, काली मिर्च, लौंग, जायफल और दालचीनी है। और ये हमारे सूखे मसाले हैं, धनिया पाउडर हमने ले लिया है। अब चलते हैं, पहले सब्जी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। और ये हमने चावल ले लिया है, इसको हमने धो के रख लिया है, बासमती राइस है ये। चलिए बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है, अब गैस को हम जला लेते हैं। कढ़ाई को हमने रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी, इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। उसके बाद हम लच्छे प्याज को फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। पहले हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं, तेल को हम गर्म होने देंगे। तब तक हम चलते हैं प्याज लहसुन और पेस्ट बना लेते हैं टमाटर का। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम प्याज को डाल देते हैं। प्याज को हमने ऐसे लच्छे कर लिए हैं जिससे देखने में अच्छा लगे और बिरयानी में फैलाने में भी अच्छा। आप चाहें तो सब्जियों को मैरिनेट करके रख भी सकते हैं। आप टमाटर के जगह पर इसमें दही का भी यूज कर सकते हैं खट्टापन लाने के लिए। जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक हम मसालों को चला ले रहे हैं। जब तक प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इधर कुकर में चावल सेट कर ले रहे हैं। चावल बनाने के लिए हम कुकर का ही इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो भगोने में भी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दें। इसको हम गैस पे चढ़ा दिए हैं बॉयल होने के लिए। इधर प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, कुकर में हम एक मोटी इलायची डाल देंगे चावल के लिए, 2 छोटी इलायची डालेंगे इसमें, ये दालचीनी डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, इसमें लौंग डाल देंगे कुछ, थोड़ा सा जायफल एक टुकड़ा डाल देंगे। अब पानी को हम गर्म होने देंगे।
पानी में आप थोड़ा सा नमक भी डाल दें, थोड़ा सा रिफाइंड एक चम्मच के करीब डाल दें। अब इसमें पानी में बॉयल आने के बाद हम इसमें चावलों को डाल देंगे और इस मसालों को हम मिक्सी में चला लेंगे। इधर प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं। सब्जियों में गोभी भी था जो हमने बताना भूल गया था, अब इसको हम डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे डाल के। गोभी को हम डाल देंगे। जब तक गोभी हमारा फ्राई हो रहा है तब तक ये पानी में बॉयल आ चुका है। हम देख सकते हैं इन चावलों को हम इसमें डाल देंगे। चावल को हमने डाल दिया है, अब चावल को हम एक बार चला लेंगे। और इसे हम ढक देंगे। ऐसे चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। जब चावल में पानी में बॉयल आ जाएगा चावल के पानी में, तब इसमें सीटी लगा देंगे ताकि ये खिला खिला चावल पक। गोभी हमारा फ्राई हो चुका है, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा करना है। इसे हम निकाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। आप सब्जियों को चावल के हिसाब से ही रखें ताकि खाने में टेस्टी लगे, नहीं तो बहुत सूखा सूखा लगेगा। आप इसमें से कुछ सब्जियाँ फ्राई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम गाजर, आलू, मशरूम, शिमला मिर्च इन सब्जियों को फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन हम बीन्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बीन्स को हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो पनीर को भी हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर चावल में देखिए उबाल आ गया है, और इसे हम बंद करके एक सीटी लगा के तुरंत ही इसे ऑफ कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पनीर भी फ्राई कर लेंगे हल्का सा।
इनमें थोड़ा सा कढ़ाई का कलर आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी सब्जियों में मिलने के बाद ये ऐसे ही होने वाला है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें हम और जो रिफाइंड है उसको डाल देते हैं। इसको हमने निकाल लिया था। अब इसमें हम जीरे को डाल देते हैं। जीरा हमारा चटक गया है। अब हम ये अपना पेस्ट डाल देंगे। हमने इसमें सूखे मसाले डाल दिए हैं। कैमरा हमारा ऑफ हो गया था, हम दिखा नहीं पाए। इसमें हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक डाल दिया है। डाल के हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के ऐसे पका लेंगे धीमी आंच पे। अब इसको हम बंद कर देते हैं, गैस को हम बंद कर देते हैं। अब एक बार हम मसाले को चेक कर लेते हैं। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी को डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें जो है दही भी डाल सकते हैं। अब इसे ढक देते हैं, टमाटर का कच्चा पन निकलने तक पकने देंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं, अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें ये सब्जियाँ डाल देंगे। इसमें हमने मशरूम, आलू डाल दिया है, गाजर डाल दिया है, गोभी, सब्जियों को आप अपने चावल के हिसाब से रख सकते हैं। ये मटर, आधी जब जल जाएंगी, आधी जलने के बाद हम इन सब्जी को डालेंगे इसमें। इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, इसको हम सुखा के रखेंगे। इसको फ्लेम कम कर दे रहे हैं, इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ढक के पकाएंगे। जब तक हमारी सब्जियाँ पक रही हैं, जब तक ये मैंने लिया है ऑरेंज कलर, ये ग्रीन कलर, आप चाहें तो यूज करें, नहीं चाहें तो ना यूज करें, लेकिन इससे जो है देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। यानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। इधर हमने एक गरम मसाला पीस के रख लिया है, अभी इसको हम डालेंगे। चलिए एक बार सब्जियों को चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो गया, सब्जियाँ हमारी पक रही हैं, जिसमें हम इन सब्जियों को भी डाल देंगे। पनीर को आप लास्ट में डालिए, तो हम चला के ढक देंगे जब तक ये कुक ना हो जाए।
लास्ट में हम गरम मसाला ऐड करेंगे। ऐसे हम ढक देते हैं। इधर हमारे चावल पक गए हैं, आप देख सकते हैं कितना खिला खिला चावल हुआ है। इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही खुला रखेंगे ताकि एक दूसरे से चिपकने ना पाए। तब तक इसमें हम फूड कलर ऐड कर देते हैं। एक बार हम सब्जियों को चेक कर लेते हैं। अभी सब्जियां हमारी पकी नहीं है, इसको हम फिर से ढक देंगे। पांच मिनट और पका लेंगे। अब हम सब्जियों को एक बार और चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी पक गई है, अब इसमें हम पनीर भी डाल देंगे ऊपर से। थोड़ा सा गरम मसाला, एक मिनट के लिए और इसको हम ढक देंगे जिससे गरम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। तब तक हम इधर जो है तवा रख देते हैं इसको दम पे रखने के लिए। इसको हमको ज़्यादा देर तक दम पे नहीं रखना है। इधर हमने तवे को रख दिया है, उसके ऊपर हमने ये वाली कढ़ाई रख दी है। हमें जो है कुछ पकाना नहीं है क्योंकि चावल भी हमारा पक चुका है और सब्जी भी हमारी पक चुकी है। बस इसको हमको 5 मिनट के लिए दम पे रखना है ताकि इसका जो है फ्लेवर एक सा हो जाए, एक सार करने के लिए चावल और सब्जियों को। और बिरयानी आप कई तरीके से बना सकते हैं, आप चाहे तो दम पे रख के भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लेयर लगाने के प्रोसेस में। अब ये कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसको हम धीमा कर देंगे आंच और इसमें चलते हैं लेयर लगाने। पहले हम इस सब्जियों को बिछा देते हैं। नीचे हम सब्जियों को बिछा देंगे। प्याज डाल देंगे, दूध डाल देंगे, आप चाहें तो केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। इसी तरह से थोड़ा गरम मसाला भी इसमें डाल देंगे। इसी तरह से एक लेयर हम और लगा लेंगे ऊपर। अब इसको हम ढक देते हैं। इसको हम धीमी आंच पे 5 मिनट रहने देते हैं।
हमें इसको पकाना नहीं है, बस इसका फ्लेवर एक सार करना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, बिरयानी हमारी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलते हैं इसको डेकोरेट कर लेते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं, आप चाहें तो इसको मिक्स कर सकते हैं, इस तरह से आप मिक्स भी कर सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी कितनी ही अच्छी बनी है, और आप इसे चाहें तो रायते के साथ खा सकते हैं, नहीं तो ये बिरयानी ऐसे ही बहुत टेस्टी है, आप ऐसे भी खा सकते हैं इसे। और इस तरह से बिरयानी आप बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल की माधुरी किचन ब्लॉग को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।